हेलो सर, कैसे हो आप? सोलो सही ये जो की है ना भाई, ये अपनी ऑल न्यू यामा MT15 2024 न्यू मॉडल की है। तो अब 2024 में जो है ना MT15 में क्या कुछ आपको देखने मिलेगा और ये कितने की आपको ऑन रोड पड़ेगी, उसी के साथ फीचर्स में क्या है, पावर क्या है, कितनी जो है माइलेज है, A to Z सारी जो आपको डिटेल्स इस छोटी सी वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी वीडियोस आएँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को कि आपको यहाँ पे मिल जाती है बेसिक सी है, बाकी बाइक जो है देखने में काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये इसका मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, और मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन जो है ना काफ़ी सारे स्टिकर्स के साथ में लोडेड है और देखने में जो है ना थोड़ा सा ये फंकी टाइप आपको लगेगा, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लुक्स इसके आ जाते हैं। अभी जो है मैं की लगा लेता हूँ, की लगाने के बाद देखते हैं अपन कि बाइक जो है क्या क्या फीचर्स यहाँ पे ऑफर करती है। सबसे पहले मीटर अपना ऑन हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो है DRLs इसकी ऑन हो चुकी है। सो DRLs जो है देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सी लगती है इसकी, मतलब ऐसा लग जैसे तो कोई ह्यूमन को ही जो है ना मतलब इस मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया हो। तो इसकी ये दो आंखें हैं, ये जो इसका भाई मुंह है। अब कान जो है यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी LED में है। तो हैजार्ड आई थिंक इसमें ऑफर किया गया है, नहीं इसके अंदर हैजार्ड आपको नहीं मिलता, R15 में हैजार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे MT15 की स्टिकरिंग है, बीच में LED प्रोजेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करके एक बार बता देता हूँ, तो ये देखो इसका जो LED प्रोजेक्टर है ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जब आप इसको ऑन कर देते हो, स्टार्ट करके बंद करोगे ना तो ये ऑन ही रह जाता है, लेकिन अभी यदि मैंने गलती से की ऑफ कर दी या फिर स्टैंड हटा दिया और दोबारा लगा दिया तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फुल्ली LED प्रोजेक्टर आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये देखो, उसके बाद UST सस्पेंशन फ्रंट में 100 सेक्शन का ये टायर, यहाँ पे यामा का जो है मॉन्स्टर एनर्जी के साथ में स्टिकर आपको मिलेगा, ये मेटेलिक में है पूरा। इधर जो है आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, बड़ा सा डिस्क है। 100 सेक्शन के फ्रंट में टायर, बाइब्री कंपनी के जो है ब्रेक कैलिपर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये 10 से 11 लीटर का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आपको टैंक मिल जाएगा। मॉन्स्टर एनर्जी के जो है यहाँ पे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे बढ़िया से, यहाँ पे अलग आपको लोगो मिल जाएगा थोड़ा गोल्डन टिंट में। उसके बाद में यहाँ ग्राफिक्स मिल जाएंगे मॉन्स्टर एनर्जी के, यामा ल्यूप के जो है नीचे स्टिकरिंग है। उसके बाद जो इंजन है ना वो है इसका मेन हार्ट है, मतलब इसके बिना ये बाइक कुछ भी नहीं है। और ये जो है ना वन ऑफ द बेस्ट 155cc इंजन है इंडियन मार्केट में, क्या पूरे वर्ल्ड में जो है ना बेस्ट इंजन बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो इंजन है ना यूज़ किया जाता है अपने R15 में भी, MT15 में भी, एरोक्स में भी, XSR में भी, बहुत सारी बाइक्स इंजन में इन्होंने ये जो है इंजन चला रखा और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन है। 155cc का इंजन है, लिक्विड कूलिंग के साथ में आता है, फ्रंट में रेडिएटर देख सकते हो, वरना जल्दी से होंडा हॉर्नेट में आपने देखा होगा उसमें भी 180cc का इंजन है, बट वो लाइक जो है एयर कूलिंग देते हैं अभी भी। तो ये जो इंजन है ना काफ़ी बढ़िया है, इसकी जो पावर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 18.4 PS के करीब, 14.1 Nm का टॉर्क इसमें मिल जाता है आपको। ये बढ़िया सा जो है इंजन मफलर जो है आपको मिल जाएगा, लाइक इंजन कवर बोल सकते हो। तो ये आपको बढ़िया सा डिज़ाइन का मिल जाएगा, मतलब ये जो है कीचड़ वगैरह अंदर नहीं जाने देता, और जो इंजन है ये आपको 40 से 50 की माइलेज दे देता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। तो ये जो है इतना रिफाइन इंजन है कि आप इससे 60 तक की माइलेज भी निकाल सकते हो, बस आपको चलानी आनी चाहिए बाइक, ऐसा नहीं है रेव कर रहे हो फुल। तो ये जो है 30-35-40 इतनी देगी, उससे ज़्यादा माइलेज नहीं देगी, तो वो वाला फंडा है। बाकी 6 गियर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वाइब्रेशन बाइक में बिल्कुल भी नहीं है, वाइब्रेशन नाम की चीज़ इस इंजन में ही नहीं है, बाइक में तो कहाँ से आएगी। उसके बाद फ्रंट फुटरेस्ट यहाँ पे है, ये रियर फुटरेस्ट, फ्रंट रियर ब्रेकिंग, मोनोशॉक सस्पेंशन आपको पीछे मिल जाएंगे जो कि ब्लैक कलर में आप देख सकते हो। पीछे 146 का टायर है, ये एग्जॉस्ट है, यहाँ पे नहीं उसकी जो है बेजिंग, सिंगल सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब राइडर और पिलियन दोनों के लिए जो है कंफर्टेबल सीट है। पीछे रेडियल टायर आपको मिलते हैं, टायर अगर यहाँ पे बड़ी सी जो है टेल लाइट यहाँ पे आपको मिलेगी, हेलोजन लाइट नंबर प्लेट के लिए, LED इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर और LED टेल लाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो है ना आपको फुल मेटल में जो है ग्रैब रेल्स मिल जाएंगी, ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया सा लुक आपको मिल जाएगा। यहाँ अगेन मॉन्स्टर एनर्जी लिखा हुआ है, और बाकी चीज़ें दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे साड़ी गार्ड इसमें कंपनी फिटेड आपको देखने मिलता है, एल्यूमिनियम में स्विंग आर्म दे दिया MT15 में भी, जो कि इन्होंने पहले नहीं दिया था, तो अब जो है आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल जाएगा। और पीछे ABS वगैरह भी देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर है, 6 गियर हैं, कोई क्यू शिफ्टर वगैरह नहीं है। उसके बाद मेन चीज़ जो है ना यहाँ पे है मीटर, मीटर के देखते हैं कि मीटर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है। उससे पहले बटन दिखा देता हूँ, हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट, सिंगल हॉर्न, इंडिकेटर, यहाँ से साउंड सुन लेते हैं।
एग्जॉस्ट साउंड भी जो इसमें काफ़ी बढ़िया है, रिफाइनमेंट जो आपको फील कराएगी। एंड जो डिज़ाइन है पूरा ये भी बढ़िया है, कलर कम्बिनेशन ब्लू सिल्वर गनमेटल ग्रे ब्लैक एंड ये सब बढ़िया सा कम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ आपकी की लग जाती है और की ऑफ करके दोबारा से ऑन करें तो कुछ इस तरीके का जो है पूरा इंटरफेस आता है। इसमें कनेक्टेड फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो ऊपर जो है हाई आरपीएम लाइट आ जाती है, ये गियर इंडिकेटर की है लाइट। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लैंक की दिखा रहा है अभी भी, तो जैसे मैं गियर डालूँगा ना तो यहाँ पे देखना, ये देखो फर्स्ट गियर आ गया। वापस से न्यूट्रल कर लेता हूँ तो ये पे एन नहीं दिखाता, सिर्फ ये डैश दिखाता है। सारी वार्निंग लाइट्स इधर और जो है इधर दिखा देता है। दो बटन्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो गियर इंडिकेटर, आरपीएम मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे जो है लास्ट में आपको फ्यूल मीटर मिल जाएगा, यहाँ यामा का लोगो। अब बटन्स का क्या काम है तो ये देखो, टाइमिंग, रियल टाइम माइलेज, एवरेज स्पीड, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दबा के रखूँगा तो ऑफ हो जाएगा ये। ओके, दूसरे वाले बटन से होता है, रीसेट वाले से, ये देखो ऑफ हो गया। उसके बाद में ये अगेन ऑडोमीटर, तो ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में मिल जाएगी। अभी जो है इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है 2024 में वो आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना गाइस, वो अभी आपको देखने को मिलेगी अराउंड दो लाख चार हज़ार के करीब टॉप मॉडल के लिए। इसकी जो प्राइस है जो आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये लाइक जो है मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, इसकी जो प्राइस है ना वो है ये 150 cc में ना, मतलब बेस्ट नेकेड मोटरसाइकिल बोल सकता हूँ। मतलब 2 लाख के करीब जो है ऑन रोड पड़ेगी आपको, 2,04,000 की। तो आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में ये ज़बरदस्त नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। यदि आपको एक बढ़िया रियल एक्सपीरियंस लेना है तो आप इस बाइक की तरफ मतलब बेझिझक जा सकते हो। तो चलिए यार, ये तो कुछ आज की वीडियो में। अभी कोई भी आपके डाउट्स नीचे कमेंट करो। बाकी आपको बाइक खरीदनी है तो फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नॉर्दर्न मोटर्स यामा फरीदाबाद से, तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे डालो नॉर्दर्न मोटर्स फरीदाबाद में, जो है ये सबसे बढ़िया और बड़ा शोरूम है। और यहाँ पे गुड़गांव दिल्ली से भी सस्ती बाइक्स आपको मिलती है। तो चलिए यार, ये तो कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।